अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज जो रेसिपी मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ वो रेसिपी है चिकन चंगेज़ी की। जी फ्रेंड्स, चिकन चंगेज़ी बहुत ही लजीज बनता है खाने में और आप इसको किसी भी ओकेजन पे बना सकते हैं। अगर आपके घर पे गेस्ट आ रहे हो या कोई छोटा सा फैमिली फंक्शन हो, या फिर तो आप इसको ऐसे ही बना सकते हैं एज एक स्पेशल डिश। सो फ्रेंड्स, मैं आपको एक एक करके सारी चीज़ें बताऊंगी जो भी आपके चिकन चंगेज़ी में यूज़ होगी। एंड वंस अगेन, आपको सारे इसमें मिनिमल इंग्रेडिएंट्स ही यूज़ होंगे जो आपके पास इजीली अवेलेबल होंगे। एंड आपकी ये रेसिपी जो है इंग्रेडिएंट्स के साथ बहुत ही ज़बरदस्त बनने वाली है। और रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो आपके स्क्रीन पे जो रेड बेल आइकन है उसको प्रेस करिए और सब्सक्रिप्शन का बटन प्रेस करिए। सो फ्रेंड्स, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर फर्स्ट स्टेप। I'll introduce all the ingredients which will be used in the recipe. So first of all, आपको friends दो टमाटर लेने हैं और उसको finely chop करके उसकी इस तरह से प्यूरी बना लेनी है। आपको milk cream लेनी है, ये देखिए, कम से कम 4 चम्मच। आपको 1 कप दूध लेना है, 20 ग्राम curd लेना है आपको। एंड आपको 3 से 4 हरी मिर्ची लेनी है जिसको आपको 20 से इस तरह से स्लिट कर लेना है। आपको 2 चम्मच टीस्पून आपको इस तरह से देख सकते हैं आप जिंजर गार्लिक पेस्ट लेना है। एंड आपको 1 स्पून रेड चिली पाउडर लेना है, 1 स्पून धनिया पाउडर लेना है, सॉल्ट लेना है अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, 1 स्पून गरम मसाला, 1 स्पून आपको कसूरी मेथी लेनी है, 3 प्याज लेनी है आपको। इसको फाइनली चॉप कर लेना है इस तरह से। मैंने यहाँ पे 1/2 kg चिकन लिया हुआ है और उसी के अकॉर्डिंग मैंने आपको अपने सारे इंग्रेडिएंट्स दिखाए हैं फ्रेंड्स। एंड आपको धनिया लेनी है फॉर गार्निशिंग। एंड आपको 1 से 1/2 नींबू लेना है जिसको आपको अपने मैरिनेशन में यूज़ करना होगा। सो यस फ्रेंड्स, एज आई सेड कि आपका पहला स्टेप चिकन चंगेज़ी बनाने के लिए है चिकन मैरिनेशन का। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट विद मैरिनेशन। सबसे पहले आपको इस तरह से देखिए 1/2 स्पून सॉल्ट लेना है एंड देन जो हमने कर्ड लिया था वो आपको इसमें पूरा ऐड करना है। हम इसमें अब ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। इसमें अपना अब 1/2 नींबू अच्छे से स्क्वीज कर लेंगे। सो सी फ्रेंड्स, हमारा जो चिकन है अब हमने उसको अच्छे से मैरिनेट कर लिया है। आप देख सकते हैं पूरा पेस्ट इस पर हमने प्रॉपरली लगा लिया है। एंड रही बात मैरिनेशन टाइम की, सो फ्रेंड्स आप इसको 30 to 1 hour तक की इसको आराम से मैरिनेट करके रख सकते हैं, 30 minutes to 1 hour। सो अब मैं इसको 1/2 घंटे के लिए कम से कम मैरिनेट करूँगी, उसके बाद मैं आपको बताऊँगी आपको कैसे प्रोसीड करना है। सो फ्रेंड्स, जब तक ये मैरिनेट हो रहा है तो मैं आपको अपने आगे के फर्दर स्टेप्स दिखा देती हूँ। सो फ्रेंड्स, हमारा मैरिनेशन टाइम ओवर हो गया है। अब हम अपना चिकन जो है फ्राई करेंगे। और फ्राई करने के लिए आपको एक कढ़ाई लेनी है, उसको प्री हीट करना है एंड उसको उसमें चिकन को अपना डायरेक्टली ऐड कर देना है। हम इसमें अपना कोई भी ऑयल नहीं लेंगे, ना ही वाटर ऐड करेंगे, सिंस हमारा जो चिकन है और उसमें हमने जो दही डाला है वो अपना वाटर खुद रिलीज़ करेगा। एंड इसको फ्राई करने में हम 1/2 स्पून अपना रेड चिली पाउडर भी डालेंगे ताकि हमारे चिकन पर कलर आ जाए। देखिए, एंड आप इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको हम फ्राई होने देंगे जब तक कि हमारे चिकन की रंगत ना बदल जाए और वो अच्छे से फ्राई ना हो जाए। सो सी फ्रेंड्स, हमने अपनी प्रॉपर मिक्सिंग कर ली है मिर्च के साथ, रेड चिली पाउडर जो हमने डाला था। एंड आप देख सकते हैं ये उसका कलर ले रहा है, हमारा जो चिकन है अच्छे से अब्जॉर्ब कर रहा है। एंड अब हम इसको फ्राई होने देते हैं। अभी फ़िलहाल हमारा फ्लेम तेज़ है, जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएगा हम आपको बताएँगे कि आपको अपना फ्लेम कब ऑफ करना है। तो फ्रेंड्स, जब तक ये फ्राई हो रहा है तब तक कि मैं मीनवाइल में आपको अपनी प्याज फ्राई करके दिखा देती हूँ जो हमने अपनी प्याज चॉप करके रखी हुई है, फिर मैं बताती हूँ आपको फर्दर कैसे प्रोसीड करना है। सो सी फ्रेंड्स, प्याज फ्राई करने के लिए आपको अपनी एक कढ़ाई लेनी है और उसमें कम से कम 3 से 4 tablespoons ऑफ ऑयल लेना है। एंड उसमें आपको अपनी प्याज जो है वो फ्राई करनी है गोल्डन ब्राउन होने तक। सो फ्रेंड्स, अभी मैंने अपना ऑयल जो है वो हीट होने रख दिया है। जैसे ही ये हीट हो जाता है हम इसमें अपनी प्याज ऐड कर देंगे और उसको फ्राई कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, हमारा ऑयल अब हो गया है एंड अब हम इसमें अपनी प्याज ऐड करने जा रहे हैं। सो सी फ्रेंड्स, हमारा ऑयल हो गया था एंड अब हमने इसमें अपनी प्याज ऐड कर दी है। एंड अब हम इस प्याज को अच्छे से इसमें चला लेंगे ताकि ये प्रॉपरली सब ऑयल में हमारी डिप हो जाए एंड अच्छे से इसको फ्राई होने रख देंगे। सो फ्रेंड्स, जब तक ये फ्राई हो रही है तब तक हम अपना चिकन चेक कर लेते हैं।
सो सी फ्रेंड्स, हमारा जो चिकन है अब उसका कलर चेंज होने लग गया है एंड वो अच्छे से फ्राई हो रहा है। एंड आप देख सकते हैं इसने अपना पानी रिलीज़ किया था एंड अब वो पानी पूरा जल भी रहा है। आप देख सकते हैं अच्छा खासा पानी इसमें जो था हमारा, जिसने रिलीज़ किया था, वो जल गया है। जब आपका ये पूरा पानी ख़त्म हो जाए तब आपका चिकन अच्छे से फ्राई हो जाएगा। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि अपेयरेंस वाइज कैसा होगा आपका चिकन फ्राई होने के बाद। एंड सिंस ये अभी फ्राई हो रहा है तो इस वजह से इस पर स्टीम आ रही है, सॉरी फॉर दैट। बट अभी मैं आपको फाइनल अपेयरेंस दिखाऊंगी चिकन की फ्राई होने पे। आपको इसको बीच बीच में अच्छे से स्टर कर लेना है ताकि ये प्रॉपरली फ्राई होता रहे। सो सी फ्रेंड्स, हमारा जो चिकन था अब आप देख सकते हैं वो फ्राई हो गया है एंड इसकी फाइनल अपेयरेंस ये है। एंड इसने जो भी अपना वाटर रिलीज़ किया था अब वो वाटर भी सब जल चुका है, इसीलिए मैंने इस स्टेज पे आके अपना फ्लेम ऑफ कर दिया है। एंड जब हमारी प्याज जो हमने अभी फ्राई होने रख दी थी वो गोल्डन ब्राउन हल्की सी स्टार्ट हो जाएगी, जब बिल्कुल हल्की सी सुर्ख होगी तब हम उसको सेपरेट कर लेंगे ऑयल से। सो सी फ्रेंड्स, हमारी जो प्याज थी वो लाइट गोल्डन होने लग गई थी तो हमने उसको अपने ऑयल से सेपरेट कर लिया है। एंड नाउ फ्रेंड्स, अब हम अपनी इस प्याज को 5-6 काजू के साथ, या आपकी चिकन की क्वांटिटी जिस हिसाब से आप काजू की क्वांटिटी उस हिसाब से ले लीजिएगा, 8-10 काजू भी कर सकते हैं जितने आपको लेने हो, इन दोनों चीज़ों को हम अच्छे से पीस लेंगे ब्लेंडर में और एक फाइन पेस्ट बना लेंगे। मैं अभी आपको दिखाती हूँ। सो फ्रेंड्स, अब हम अपनी ग्रेवी प्रिपेयर कर लेते हैं। उसके लिए हमने ऑयल में सबसे पहले लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है, ये देख सकते हैं आप। 1-1.5 स्पून के अराउंड मैंने यहाँ पे अपना जिंजर गार्लिक पेस्ट अपने ऑयल में ऐड किया है। अब हमने अपनी इसमें टमाटो प्यूरी ऐड कर दी है एंड इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है एंड इसको थोड़ी देर फ्राई होने देंगे 2-3 मिनट। देन हम इसमें अपना मिल्क ऐड करेंगे। अब हम अपना मिल्क ऐड करने जा रहे हैं, इसमें सबको अच्छे से स्टर कर लेंगे प्रॉपरली लाइक दिस। एंड अब हम इसमें अपने सारे पाउडर्ड मसाले ऐड कर देंगे। हम अपना धनिया पाउडर ऐड कर देंगे 1 स्पून, सॉल्ट ऐड कर दिया हमने अपना। अब हम इसमें अपना रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे फ्रेंड्स, वो भी 1 स्पून के अराउंड। एंड फाइनली हम इसमें अपना गरम मसाला ऐड करेंगे, वो भी हमको 1 स्पून ही लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इन सबको प्रॉपरली स्टर करके इसको हाई फ्लेम पे हमको पकने देना है जब तक कि इसका ऑयल जो है वो ऊपर ना आ जाए सरफेस पे। आपको इसको पकने देना है, जब ऑयल सरफेस पे आ जाएगा तब मैं बताऊँगी आपको फर्दर क्या करना है। सो फ्रेंड्स, मैंने जो अपना काजू का पेस्ट तैयार किया था वो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। एंड फ्रेंड्स, अब मैं इसमें अपना प्याज का पेस्ट ऐड करूँगी। ये देखिए, जो मैंने ब्लेंड पीस लिया था ब्लेंडर में अच्छे से फाइन पेस्ट, इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे एंड इनको पकने देंगे जब तक कि आपका ऑयल सरफेस पर ना आ जाए। सो सी फ्रेंड्स, हमारी जितनी भी इंग्रेडिएंट्स हैं हमने उनको अच्छे से मिक्स कर लिया है एंड अब हम उनको पकने दे रहे हैं प्रॉपरली स्टर करने के बाद। एंड फ्रेंड्स, आप इसको बीच बीच में भी स्टर करते रहिएगा एंड वेट करिएगा कि इसका ऑयल सरफेस पे आ जाए। सो फ्रेंड्स, अब हम इसमें अपनी ग्रेवी में चिकन ऐड कर रहे हैं क्योंकि इसमें हमारा जो ऑयल था वो ऊपर आना स्टार्ट हो गया था सरफेस पे। हम इसमें अपनी चिकन की प्रॉपरली मिक्सिंग कर लेंगे। अब हम इसमें अपनी मिल्क क्रीम ऐड कर देंगे एंड जो मैंने आपको स्टार्ट में कसूरी मेथी दिखाई थी अब आप वो ऐड कर देंगे इसमें। देखिए, अगर आप इसको क्रश करके ऐड करना चाहें हाथ पे अच्छे से तो आप मसल के भी इसको ऐड कर सकते हैं या ऐसे भी। एंड इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे एंड इनको 5-6 मिनट्स प्रॉपरली पकने देंगे फ्लेम पे ताकि ये सारी चीज़ें अच्छे से ब्लेंड होके एक बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट दें। एंड देन फाइनली हम इसमें अपने मिर्चे और धनिया के साथ गार्निशिंग कर देंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम इसको लिड लगा के रखने जा रहे हैं। सो फ्रेंड्स, ये देखिए, हम आपको अब अपना लिड हटा के दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं इसमें हमारा जो ऑयल है वो भी सरफेस पे आ गया है एंड हमारी जो सारी चीज़ें हैं वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से ब्लेंड हो गई हैं एंड अब ये रेडी टू सर्व है। हम आपको इसको सर्व करके दिखाएंगे। सो
सी फ्रेंड्स, हमारा चिकन चंगेजी तैयार है एंड आप देख सकते हैं ये बहुत ही बेहतरीन उतरा है टेक्सचर वाइज, अपेयरेंस वाइज, एंड हमने इसको अपने मिर्चे और धनिया से गार्निशिंग भी किया हुआ है, तो ये और अपेयरेंस वाइज एपेटाइजिंग लग रहा है एंड इंशाल्लाह ये जायके में भी बहुत लजीज होगा। सो फ्रेंड्स, आप लोग भी ये रेसिपी चिकन चंगेजी की मेरी वीडियो से ज़रूर ट्राई करिएगा और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी हेल्पफुल लगी या नहीं। फ्रेंड्स, मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है कि मैं आपको सुपर सिंप्लीफाइड वे में रेसिपी दिखाऊं। सो उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी मेरी सिंप्लीफाइड लगी होगी एंड अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को ना भूलिएगा। सो फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़, मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा फ्रेंड्स।